की किताबें चबा जाऊंगी, आपको ये भी लग रहा है? बिल्कुल चबा जाऊंगी। डिटेल हूं, आपको ये भी लग रहा है? टोटली फ्लर्टी हूं मैं पूरा पूरी। हाँ अच्छा, मुझे जेल का उसमें ही माई लग रहा है। सो गाइस ऐसा है कि मैं सीपी में आए मुझे 1 साल हो गया था, 1 साल के बाद आई हूँ और वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, दिखा दो एक बार। मतलब यार वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है ना, यू नो व्हाट, मुझे नहीं पता कि वो बात करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एक तो पुलिस वाले इतने रूड होते हैं, ऊपर से उनके अपने ही एटीट्यूड होते हैं, उसके बाद उनकी बहुत सारी धमकियाँ होती हैं जो लेने का बिल्कुल दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस यू नो व्हाट, आम लड़के होते तो उनके पास जाओ, जाकर खड़े हो जाओ, अपने आप ही नंबर मिल जाता है। पुलिस वालों का अपना ही एक रुतबा कह सकते हैं या गुरूर कह सकते हैं। बट मैं जाने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ, देखते हैं क्या होता है। A few moments later. Hey, hi. Hello. Actually आप बहुत स्मार्ट हो। मतलब यू नो व्हाट, मैं गेट नंबर 5 जा रही थी और मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो गई कि मुझे लोकेशन भी भूल गई हूँ आपको देखकर। गेट नंबर 5। अब आगे से राइट चले जाइए, या गेट नंबर 6 है? ये गेट नंबर 6 है बिल्कुल। आपकी ड्यूटी रोज़ यहीं लगती है क्या? आपको गेट नंबर बता दिया, आप जाइए। नाम क्या है वैसे आपका? आपको नाम से क्या मतलब, आप जाइए, आपको गेट नंबर बता दिया ना। इतनी रूड क्यों हो रहे हो यार? और वैसे भी आपके फेस पे तो बिल्कुल रूडनेस शूट नहीं कर रही। मैं रूड हो रहा हूँ और आप क्या कर रही हो? फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग नहीं कर रही यार, ऑन ड्यूटी फ्लर्टिंग। ऑन ड्यूटी फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ। समझते हो ऑन ड्यूटी फ्लर्टिंग का? 24 घंटे जेल है। अभी बुलाऊँ मैं लेडी कांस्टेबल को? डरा रहे हो यार, डर रहे हो कि मैं मेरे प्यार में ना गिर जाऊँ, ऐसा कुछ? मैं ना डरा रहा ना डर रहा, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। वैसे भी मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। किन चक्करों में? जो आप चाह रही हो। क्या चाह रही हो? क्या चाह रहे हो आप? बता दिया ना, आप जाओ। अरे चाह क्या रही हो? मैं बस ये सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूँ, बस इतना ही। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको बता दिया, आप जाओ। अच्छा एक सेकेंड, बुरा मत मानना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी सच में। मुझे बस दिल हो रहा है कि मैं आपसे बात करूँ, मतलब ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे कोई अच्छा लगता है और मुझे पता नहीं क्यों आप अच्छे लगे हो, तो मुझे लगा कि मैं जाके बात करूँ। और शायद बहुत सारे लड़के हैं, आपको कोई भी अच्छा लग सकता है, पर सीपी में बहुत सारे लड़के हैं। आप अच्छे लग रहे हो, नहीं और लड़कों को कंपेयर ही नहीं कर सकती आपके साथ। यू नो व्हाट, एक परफेक्ट हाइट, परफेक्ट फीचर एंड सब कुछ परफेक्ट है। अरे आप जाओ, क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो? आप जाओ, समझा करो। और क्या कर रहे हो आप? पता ना, मैं बस जाहिर कर रही हूँ अपने दिल की बात। आपको जाट हो आप? हाँ। तो आप जाहिए अपनी जाटगिरी, कहीं और दिखाइए। मैं कहीं और क्या दिखाऊँ, मैं यहाँ पर भी नहीं दिखा रही, मैं बस जान रही थी आपको। तो जान लिया, और क्या जानना है? बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो। नंबर दे दो। लिखो 100। हेलो प्लीज, सबसे अच्छा नंबर है, 24/7 मिलेगा। अगर मैं इस पे फ़ोन करूँगी तो आप कैसे उठाओगे मतलब फ़ोन को? मुझे आपसे बात करनी होगी। तो यहीं आ जाना आप, डेली यहीं ड्यूटी करता हूँ मैं द्वारका रहती हूँ, ठीक है, और मैं द्वारका से डेली सीपी। तो बात आपको करनी है तो यहाँ तो आना पड़ेगा। आपको नहीं करनी? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, समझा करो, ड्यूटी चल रही है मेरी। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आप जाइए, आप अपना काम करिए। माना आप स्मार्ट हो, ऐसे मत करो। मान लिया मैं स्मार्ट हूँ, फिर क्या करूँ? मुझसे बातें करो। अच्छा, जो स्मार्ट होगा वो आपसे बातें करेगा? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब जो स्मार्ट हो या फिर मेरा दिल उस पर आ जाए तो हो सकता है कि वो मुझसे बातें करे। अच्छा, मतलब आपने जो चाहा सामने वाला वो करेगा? ऐसा एक्चुअली मैं अक्सर ऐसा होता रहता है मेरी लाइफ में। बट तो यही काम है आपका? यही काम नहीं है मेरा, मैं टाइम वेस्ट थोड़ी करती हूँ लोगों का। टाइम वेस्ट ही कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो ना। देखो मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, मेरा टाइम वेस्ट ना करो, मुझे अपने एम से डिस्ट्रैक्ट मत करो। आप क्या एम? लोगों के आने जाने को रोकना है आपको, ये एम है आपका? पढ़ाई की है कभी? की है मैंने पढ़ाई। लग तो नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? मेरी शक्ल से नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा टाइम ख़राब ना करो। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, पर आपको क्या पता होगा। ओ मतलब IAS की तैयारी कर रहे हो क्या? IAS बनना है क्या आपको? हाँ बिल्कुल। पक्का? यार वो बन पाऊँगी नहीं पाऊँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बन ही जाओगे। वैसे ना मतलब मुझे बहुत गर्व होएगा लोगों को ये बताने में कि मेरा बॉयफ्रेंड IAS है। और मैं क्या बताऊंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड फ्लर्टी है, लोगों का टाइम वेस्ट कर रही है, पापा के पैसे उड़ा रही है। नहीं ये बताऊंगा मैं। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। और क्या बोला आपने? ओके माई लव, इतना गुस्सा मत करो। माई लव, ये क्या, ये क्यों बोला आपने? एक्चुअली मैंने आपका नाम पूछा था कुछ देर पहले। तो नाम देख लो, नाम ना आप संदीप बोलो बस। ओके मिस्टर संदीप, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब इतना गुस्सा आपकी फितरत में है या करते हो? अब गुस्सा तो बनेगा ही ना, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, आप बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा अब बोल दिया नहीं पढ़ना मुझे चक्करों में। ठीक है एक काम करते हैं, मैं अगर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आपका एग्ज़ाम कब है? अभी 4 महीने है। 4 महीने है ना, 4 महीने के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर ले लो। इतना वेट कर पाओगे? इतना वेट, एक IAS का वेट ना मैं पूरी ज़िंदगी कर सकती हूँ। फिर भी मैं नंबर नहीं दूँगा, आप जाओ, बहुत फ्लर्ट कर लिया आपने, जाओ आप। सब देख रहे हैं। नहीं जाओ अब जाओ। ये लो यार, मैं मांग थोड़ी रही, नंबर थोड़ी मांग रही हूं। तो बता दिया ना आपको, जब भी बात करनी आप यहाँ आ जाइए। मैं यहाँ नहीं आ सकती, बहुत दूर है सच में। तो फिर मत करिए बात, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप देखो सच में पसंद आ रहे हो, मान जाओ। आपको जो पसंद आएगा उसका नंबर मिलेगा। आप मुझसे 2-3 बार मिलो, मुझे भी मतलब आपको मैं अच्छी लगने लगूंगी। देखो यहाँ सीन क्रिएट हो रहा है, लोग देख रहे हैं, आप जाओ, मान जाओ। कितने लोग इकट्ठे हो गए, मैं लेडी कॉन्स्टेबल बुला लूँगा। बात पे धमकी नहीं, मैं बता रहा हूँ। पुलिस वालों का एक काम है बस धमकी देना। अच्छा ये बुला लूँगा, वो बुला लूँगा, ये कर लूँगा। पुलिस वालों का मतलब पुलिस वालों पे ही फ्लर्ट करते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस वालों पे फ्लर्ट करती हूँ, मैं बस मुझे आप अच्छे लग रहे हैं। अभी बोला ना आपने पुलिस वाले ऐसे होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूँ मैं आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगी। आपकी स्टडी की कौन सी, मैं किताबें फाड़ दूँगी यार, चबा जाऊँगी किताबों को, ऐसा नहीं करूँगी। मुझे लग रहा है आप चबा ही जाओगी जिस तरीके से बोल रही हो लगातार। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ सीरियसली, बस मैं ये बोल रही हूँ। देखो कितने लोग इकट्ठा हो गए, देख रहे हो ना आप। अच्छा चलो ठीक है, लोग पब्लिक प्लेस में है, ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं बुला लूँगा। अच्छा ठीक है, नंबर के अलावा और कहीं कोई ऐसी जगह जहाँ पे मैं कांटेक्ट कर सकूँ? चलो ऐसा करो, जल्दी इंस्टाग्राम यूज करता हूँ मैं, जल्दी जाओ आप। इंस्टाग्राम किस नाम से? देखो सैंडी चौधरी 96 @ लगाओ ना पहले। नहीं, SANDY CHAUDHRY। हाँ देखिए अभी तो और सारे होने वाले हैं। इसीलिए भाव खा रहे हो क्या? नहीं, ये होते नहीं तो भी भाव खाता हूँ मैं। आप ऐसे फ्लर्ट कर रहे हो बताओ। अरे यार माना, मैंने पहली बार कोई पुलिस वाला देखा जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। इसीलिए पुलिस वाले इंसान नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, और वैसे आप जैसे स्मार्ट हो तो ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स बढ़ने ज़रूरी हैं, है ना। ये तो पता नहीं, बट मैं वीडियोज बनाता हूँ। ठीक है मैसेज कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जाओ दे, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। नंबर ले लो जल्दी, देना मत मेरा नंबर। मैं इसमें रिप्लाई कर दूंगा ना आपको। पक्का करोगे? पक्का कर दूंगा, डेफिनेटली। अरे जाओ जल्दी जाओ। ऐसे क्यों बोल रहे हो, जल्दी जाओ। मतलब और आराम से जाइए आप, आराम से जाइए, जल्दी जाइए। मुझे लग रहा है आप मुझे करोगे नहीं मैसेज जिस तरह से। अरे मैं पक्का करूँगा, भीड़ इकट्ठी हो रही है। पक्का और हाँ सर भी आने वाले हैं अभी। आई एम सॉरी, UP पुलिस है ना शायद? हाँ, मैं UP पुलिस से हूँ और यहाँ किसी काम से आया था। तो अभी आप ऑन ड्यूटी होने की बात कर रहे थे कि मैं ऑन ड्यूटी फ्लर्ट करता हूं। ऑन ड्यूटी हूँ, यहाँ से काम से आया हूँ। यहाँ पर काम से आया हूँ? हाँ, किसी का वेट कर रहा हूँ मैं, जाऊँगा फिर यहाँ से। जब तक किसी का वेट कर रहे हो मैं टाइम पास कर देती हूँ ना। देखो मैंने नंबर दे दिया आपको, जाओ, लोग देख रहे हैं तो कितने हाँ, लोग इकट्ठे हो। वेट ही तो कर रहे हो, मैं खड़े होकर टाइम पास कर। आ गया तो देखो वो आ गया। पक्का कॉल करोगे? हाँ पक्का कॉल। डन डन, सही है, सही।